मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम अनु, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम अभिलाष वर्ल्ड स्कूल। हाउ आर यू स्टूडेंट? फाइन, वेरी गुड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर थर्ड लेसन एंड इट्स नेम इज मैग्निफिशेंट मैरिज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैरिज? मैग्निफिशेंट मीन्स शानदार, क्रश और मैरी। मैरी का नाम तो बेटा आपने पहले भी कई बार सुना होगा, मैरी कॉम। किसी बात कर रही हूँ, मैरी कॉम की फेमस बॉक्सर है वो, पिक्चर भी बनी है उनके ऊपर, आपने देखी होगी, है ना। तो आज जो लेसन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन मैरी कॉम। पूरी की पूरी मैरी कॉम के बारे में है ये लेसन। तो वैसे तो ये लेसन मैरी कॉम के बारे में, लेकिन इनके बारे में थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। व्हाट अबाउट दैट? मैं इनका जो फुल नेम है बेटा, मैरी कॉम का जो फुल नेम है वो है आपका मेंके श्वेलिजेन मैरी कॉम। ओके, वाज बोर्न 1st March 1983, इज एन इंडियन एमचोर बॉक्सर। बट इसमें वर्ड आया है एमचोर, एक होता है एमचोर, एक होता है प्रोफेशनल, ठीक है। एमचोर मतलब होता है शौकीन, शौक के तौर पे उन्होंने अपनी जो है वो स्टार्ट करी थी। उनको इस चीज का शौक था, वो उनको इस चीज की जो है वो इंटरेस्ट था कि वो बॉक्सिंग में जाए, केवल एक शौक के। ओके, प्रोफेसर के रूप में नहीं। प्रोफेसर का मतलब होता है कि हमें पैसों के लालच में हम कोई चीज करते हैं, कि हमें कमाई चाहिए, पैसे चाहिए उस गेम्स में, ऐसा उनका पॉइंट नहीं था, ठीक है ना। उनको इस चीज का शौक था, उन्होंने ये चीज जो है वो चूज की थी कि वो एक बॉक्सर बने। ओके, एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, और जो है वो आपके राज्यसभा जो है उसकी मेंबर भी बनी। ओके, शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर टू विन अ गोल्ड इन द एशियन गेम इन 2014 में। जो एशियन जो गेम्स हुए थे बेटा, उन्होंने इसमें गोल्ड मेडल भी जीता। एंड इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर टू विन गोल्ड 2018 कॉमनवेल्थ गेम। 2018 में बेटा कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, आपको सबको याद है, उसमें उन्होंने गोल्ड भी जीता, ठीक है। एंड शी वॉज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग लेडी, क्योंकि उन्होंने इतने अप एंड डाउन अपनी लाइफ में देखे थे, इतने ऑब्स्टेकल्स उनकी लाइफ में आए थे, लेकिन उन्होंने अपनी जो डिटर्मिनेशन है टुवर्ड्स द बॉक्सिंग, उन्होंने उसको बिल्कुल भी क्या नहीं किया, क्विट नहीं किया, छोड़ा नहीं, ठीक है। सारी चीजों को फेस करते हुए उन्होंने इस चीज को जो है वो कंटिन्यू रखा। तो उनकी जो भी प्रॉब्लम्स आए, कैसे उनको फेस किया, क्या क्या उन्होंने चीजें जो है वो विन की, वो सब अपन इस लिस्ट में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो लेट्स स्टार्ट। मैन एंड वुमेन हैव टेकन पार्ट इन वेरियस डिफरेंट स्पोर्ट्स फ्रॉम टाइम्स इन मेमोरियल। कहते पुराने समय में जो मेन जो वुमेन्स है वो काफी चीजों में जो है वो पार्टिसिपेट करते आए हैं, ठीक है ना, स्पोर्ट्स के अंदर। अपार्ट फ्रॉम मेकिंग योर बॉडी स्ट्रॉन्गर, कहते हैं एक तो ये चीज होती है, और इसके अलावा ये आपकी बॉडी को क्या बनाती है बेटा, स्ट्रॉन्ग बनाती है, फिटर बनाती है। प्लेइंग अ स्पोर्ट्स टीचर्स यू हाउ टू वर्क विथ अदर्स। जब आप स्पोर्ट्स में खेलते हैं तो आपको पता है कि स्पोर्ट्स में कोई भी गेम खेलते हैं तो उसमें टीम वर्क होता है ना, आपको टीम के साथ मिलकर खेलना पड़ता है। तो उसमें आपको ये भी चीज सीखने को मदद मिलती है कि आपको दूसरों के लिए क्या करना चाहिए। एक्सेप्ट बोथ विक्ट्री एंड डिफीट, चाहे आपकी जीत हो या आप हारे, विक्ट्री एंड डिफीट, आपको दोनों चीज जो है वो एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर आप जीत गए तो अच्छी बात है, डिफीट हुए तो उससे भी हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि इस बार हमारी ये कमी रह गई थी तो अगली बार हम अपनी ये कमी को पूरा करना है। होप कामली विद स्ट्रेस एंड चैलेंज, जो भी स्ट्रेस आते हैं स्पोर्ट्स में, जो भी चैलेंजेस आते हैं उन्हें हमें डील करना चाहिए। होप लिखा ना, होप मीन्स होता है डील करना, ठीक है, उनके साथ में हमें क्या नाम है उसकी सारी चीजों को सोच निकालना चाहिए। What are the other benefits that playing a sports bring to us? अब दूसरे क्या benefits होते हैं, लाभ होते हैं जो कि हमें स्पोर्ट्स से मिलते हैं? If you play a sport yourself, अगर आप खुद जो है वो खेलते हैं, you can speak about your own personal experience. तो आप इन सब चीजों के बारे में अपने personal experience से बता सकते हैं, okay? On March 1st, 1983, ये उनकी बर्थडे थे, a daughter was born to Mente Tonpako and Mente Akampo in Kegethiai in the north eastern state of Manipur. Manipur ka north eastern state tha ek Kegethiai, usme
जो दो लोग थे, इसका नाम बोला बेटा मैंने मैंगटे टोनेपाकोम एंड मैंगटे एकेपकोम, ये बोथ कौन है, उनके पेरेंट्स किसके, मैरी कॉम के, ठीक है ना। द कॉम्स वर पुअर टेनेंट फार्मर्स, बट ये किराए के फार्मर्स थे, उनके जो पेरेंट्स थे वो क्या थे, किराए किराए के फार्मर्स का मतलब ये होता है कि इनकी खुद की फील्ड नहीं थी, ये दूसरे के खेतों में जाके काम करते थे। नेम ये डॉटर उन्होंने अपनी बेटी का नाम जो है वो क्या रख दिया बेटा, चुनचैंग मैरी कॉम ह्यूमेंट, ठीक है, जिन हम शॉर्ट फॉर्म में मैरी कॉम के नाम से जानते हैं। मैरी ग्रू अप इन अ पॉवर्टी एंड अर्ली इयर्स ऑफ हर लाइफ वाज वेरी टफ, एक गरीब परिवार के घर में उन्होंने जन्म लिया था और उनकी पहले के जो जीवन था बचपने का चाइल्डहुड का वो काफी मुश्किल हो रहा था। शी वॉज द एल्डेस्ट ऑफ थ्री चिल्ड्रन, सब तीन बच्चों में सबसे बड़ी थी वो, एंड इन बिटवीन डूइंग चोर्स इन ऑन द फार्म्स, और वर्क भी करती थी, चोर्स मींस क्या होता है वर्क, फार्म में खेतों में अपने माता पिता के साथ में वो वर्क भी करती थी। शी हैड टू हेल्प लुक आफ्टर हर सिबलिंग, साथ साथ जो उनके भाई ब्रदर्स एंड सिस्टर, सिबलिंग मींस क्या होता है ब्रदर्स एंड सिस्टर, उनकी भी वो देख रेख करती थी। मेरिज फादर हैड बीन अ रेसलर वंस, मेरिज के फादर एक टाइम में क्या होते थे रेसलर होते थे वो, एंड राइट फ्रॉम द टाइम शी वाज 6 इयर्स ओल्ड, मैरी कितने साल की थी बेटा, 6 साल की। मैरी एन एक्टिव एंड एनर्जेटिक गर्ल, अब मैरी कौन थी बेटा, बहुत ही एक्टिव और एनर्जेटिक लड़की थी वो, ऊर्जा से भरी हुई, वाज ग्रेटली इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, अब उसको किसमें इंटरेस्ट था बेटा, स्पोर्ट्स। शी टुक पार्ट इन डिस्कस थ्रो एंड शो पुट इन एथलेटिक कॉम्पिटिशन एज ए स्कूल स्टूडेंट, जब वो स्कूल में थी तो एज ए स्टूडेंट वो इन सब चीजों में पार्टिसिपेट करती थी, विच टाइप ऑफ गेम डिस्कस थ्रो, बेटा इसमें हमारे पास में डिस्क होती है, ठीक है ना, उसको हमें एक पॉइंट तक थ्रो करना था, अगर आपका उस पॉइंट थ्रो हो गया तो यू आप क्या करते हैं जीत जाते हैं, ओके यू पे। वैसे एक शॉर्ट पुट होती है, शॉर्ट पुट में क्या होती है बेटा, बॉल होती है आपके पास में, ठीक है ना, हैवी बॉल होती है, उस बॉल को आपको उस पॉइंट तक जो है वो क्या करना पड़ता है, फेंकना पड़ता है। एंड एंजॉय प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल भी वो एंजॉय करती थी, बट वॉज अटली कैप्टिवेटेड बाय द स्पोर्ट ऑफ बॉक्सिंग, लेकिन इसके अलावा उनका जो खिंचाव है, ध्यान जो है किसकी तरफ गया बेटा, बॉक्सिंग। शी लव वॉचिंग एक्शन फिल्म्स स्टारिंग जैकी चैन एंड जेट ली, अब इनकी जो फिल्म है इसकी जैकी चैन और जेट ली की जो फिल्म्स हैं उनको वो देखती थी, बहुत पसंद करती थी उनकी वो फिल्में देखना। जैकी चैन का नाम भी सुना होगा आप लोगों ने, है ना, जेट ली का भी नाम सुना होगा, दोनों के दोनों जो थे वो आपके मार्शल आर्टिस्ट थे, एक्टर भी थे, ओके। तो शी डिड नॉट नो मच अबाउट द बॉक्सिंग, उस समय उनको बॉक्सिंग के बारे में ज्यादा पता नहीं था। द स्पोर्ट कैप्चर्ड हर इमेजिनेशन, अब जो स्पोर्ट्स है ठीक है उसने इस चीज को उनको क्या कर दिया है, उसकी इमेजिनेशन को क्या कर दिया बेटा, कैप्चर्ड कर दिया, ओके। तो आपने यहां तक देखा, अभी मैंने आपको क्या बताया है, ओके स्टूडेंट, तो आपने देखा कि इस चीज ने उनके जो है इमेजिनेशन को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, जकड़ लिया, किस चीज ने, बॉक्सिंग ने। द लेजेंडरी बॉक्सर महमूद अली वॉज हर हीरो, अब इसमें जो लेजेंडरी बॉक्सर थे, फेमस बॉक्सर थे महमूद अली, वो उनके हीरो थे, ठीक है ना, वो उनको अपना गुरु मानते थे। एंड वॉचिंग हिम ऑन द स्क्रीन मेड आई वॉन्ट टू टेक अ बॉक्सिंग हरसेल्फ, और उनको वो स्क्रीन पे देखती थी और अपने आप को भी वो जो है क्या बनाना चाहती थी, एक बॉक्सर, अपने अंदर भी बॉक्सिंग जो है वो डेवलप कर रही थी, बॉक्सिंग खेलती। By the time she was in her early teens, अब उस समय वो teens थी, teens means होता है बेटा teenager, ये age जो होती है 13 to 19 years की age जो होती है, उस समय वो उस उम्र की थी। Mary started boxing with local boys on the street, उसकी गलियों में जो local boys थे उनके साथ में वो boxing करती थी, ठीक है ना। And her delight और जो है वो खुशी उनकी जाहिर होती थी, she would often beat them, और कभी कभी तो वो लड़कों को भी बीट देती थी। मैरी डिड नॉट टेल एनी ऑफ हर फैमिली मेंबर्स अबाउट हर पैशन फॉर बॉक्सिंग, उन्होंने किसी को भी अपने इस पैशन के बारे में नहीं बताया, क्या होता है बेटा पैशन क्या होता है, स्ट्रॉन्गली फीलिंग, किसी को भी नहीं बताया कि बॉक्सिंग के लिए उनकी इतनी ज्यादा फीलिंग्स है। बिकॉज शी न्यू दैट देयर वुड डिसअप्रूव एंड इमीडिएटली स्टॉप हर फ्रॉम प्रैक्टिसिंग द स्पोर्ट, क्योंकि उनको पता था कि जैसे ही अगर उन्होंने अपनी फैमिली को बताया इसके बारे में तो जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं वो जो स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस कर रही है उसको भी छुड़वा देंगे वो, ठीक
इसीलिए उन्होंने किसी को नहीं बताया कि उनके अंदर जो है वो क्या चीज क्रिएट हो रही है बॉक्सिंग सीखने के लिए. ओके, शी वर्क्ड हार्ड बट टू केयर टू कीप हर ग्रोइंग बॉक्सिंग स्किल्स एज सीक्रेट. बहुत कड़ी मेहनत करती थी लेकिन जो बॉक्सिंग के लिए उनके अंदर जो फीलिंग थी उनको वो अपने अंदर सीक्रेटली ही डेवलप कर रही थी. हर किसी को उन्होंने एक्सप्रेस के बारे में नहीं किया. इन 1998 when she was 15 years old, जब वो 15 साल की थी, married took an important decision, बहुत ही important decision उन्होंने अपनी life कर लिया, that would change her life forever, जिसने उनका जीवन हमेशा के लिए क्या कर दिया बेटा, बदल दिया. married took an, she decided to move to the sports academy in the state of Imphal. उन्होंने सोचा कि अब वो कहाँ जाएंगे, जो आपकी sports academy है, जो कि कहाँ पर Imphal में वहां जाके वो अपना स्पोर्ट्स कंटिन्यू करेगी. हु वुड हैव अ बिग इंपैक्ट ऑन हर कैरियर. इस चीज ने बहुत गहरा उनके ऊपर जो है प्रभाव डाला उनके कैरियर के ऊपर. सिक्स इमीडिएटली सेंस दैट मैरी पेशेंस फॉर बॉक्सिंग. अब सिंह ये चीज को समझ गए थे कि उनकी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गली फीलिंग है अबाउट व्हाट अबाउट बॉक्सिंग. ठीक है ना, और आगे चलकर उन्होंने बहुत उनकी हेल्प करी. किस चीज के बारे में, बॉक्सिंग के बारे में. एक जो टीचर होता है अगर उसको अपने बच्चे के अंदर पेशेंस नजर आता है बेटा किसी चीज के बारे में उसके अंदर कितनी स्ट्रॉन्गली फीलिंग है तो वो उसकी पूरी हेल्प करता है ताकि वो उस चीज में जो है वो आगे बढ़ सके. तो सिंह ने ये चीज नोटिस कर ली थी, ये चीज उसके अंदर डेवलप हो रही है और केवल डेवलप नहीं हो रही बल्कि स्ट्रॉन्गली डेवलप हो रही है. तो यहाँ तक आई होप आप सबको लेसन समझ में आया होगा अबाउट अमेरिको है ना, फुल नेम, फिर उनका शॉर्ट नेम कैसे हुआ ये भी हम लेसन के अंदर देखेंगे कि कैसे कैसे उनका मैरी कॉम नाम जो है वो पड़ा. ठीक है, और उनके जितनी भी